Hare Krishna Gurumas, please accept my humble obeisances. Lord Shrishna Prabhupada, Sai Bhakto ko mera sada dan pranam hai. तो जैसे आप आज परिचित होंगे या आप सब परिचित हैं आज की तिथि के विषय में या तिथि के लिए, आज जानू सप्तमी है तो विशेष दिवस है एक प्रकार से। आज के विशेष दिवस पे हमारे बीच जपा टॉक डिलीवर करने विशेष भक्त भी उपस्थित है, श्रीमान इष्ट देव प्रभु। तो प्राय जानू सप्तमी पे गुरुमा जी के द्वारा जानू सप्तमी की कथा श्रवण की है और सीधा मायापुर नवद्वीप में एक द्वीप भी है जानू द्वीप। तो इससे देव प्रभु हमारे धामवासी श्रीराम मायापुर में वर्षों से रहते हैं, तो हमने सोचा इनसे अच्छा और कौन वक्ता हमें प्राप्त हो सकता है आज के दिवस पे, जो हमें जानू मुनि की गुणगान और जानू द्वीप के गुणगान स्वयं वहीं से सुनाए। तो सभी भक्तों से अनुरोध है अभी अपने जप को थोड़ा विराम दे दीजिए। प्रभु जी भी जपा टॉक प्रारंभ करेंगे, लगभग 7:15 तक चलेगी जपा टॉक। तो आज के दिन उसकी महिमा, आज के दिन का गुणगान वैशिष्ट हम श्रीमान इष्टदेव प्रभु के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। प्रभु जी से अनुरोध करते हैं आज के जपा टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी पद्मावली प्रभु, क्या आप मेरी बातें सुनाई दे रहा? हरे हरे कृष्णा। क्लियर है प्रभु जी? ऑल गुड। क्लियर, ओके ओके गुड। ओम अज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव षदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य गुरु महाराज के चरण को वंदना करते हुए, उनके चरण में प्रार्थना करते हुए, आशीर्वाद भिक्षा करते हुए और पद्मावली प्रभु की आदेश को पालन करते हुए आज जपटक की कुछ प्रयास करेंगे। भगवान की लीला गुण कथा कीर्तन अनंत है, लेकिन हम बद्ध जीव सभी लीलाओं को जानते भी नहीं है, और जानते हैं तो स्मरण आता भी नहीं है, और सुनते हैं तो भूल जाते हैं। जो हमें थोड़ी बहुत स्मरण में आएगा उसको प्रयास करेंगे आप सभी की समक्ष रखने के लिए। आज जानू सप्तमी, आप जानते हैं कुछ दिन पूर्व अक्षय तृतीया था, और अक्षय तृतीया का दिवस ये संसार में गंगा माता की प्रकट हुई। गंगा अक्षय तृतीया का दिवस भगवान परशुराम की जन्मदिन भी है, और साथ साथ में गंगा माता की प्रकट दिवस भी है। हम सभी जानते हैं सागर महाराज के 60,000 पुत्रों का पश्चिम बंगाल की बंगोपसागर बे ऑफ बंगाल की खाड़ियों में भस्म हो गए। कपिल मुनि के आश्रम के द्वारा अपराध करने के कारण और उनकी 60,000 पुत्रों का शरीर भस्म होकर राख बन गए। कहां पर? ना बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, जहां कपिल भगवान के आश्रम था। ये कथा आप सभी जानते हैं, भागवतम में सुंदर भाव से वर्णन है। मैं उसके बारे में डिटेल ज्यादा नहीं जाऊंगा, संक्षिप्त में कह रहा हूं कि गंगा की इस संसार में प्राकट्य का क्या कारण है। गंगा की प्राकट्य होने का एक मूल कारण है, अनेक कारण हो सकता है, महाप्रभु को लीला करना ये भी कारण हो सकता है, लेकिन मूल कारण था कि हम देखा जाए कि गंगा माता यहाँ प्राकट होने का कारण, गंगा जो भगीरथनाथ हरि सागर महाराज की पुत्रों की उद्धार करने के लिए उनकी कई पीढ़ियां ने
तपस्या करी। अंत में भगीरथ महाराज ने जब घोर तपस्या करी तो भगवान माता भगवान की चरण कमल से निकली हुई ब्रह्मलोक से गंगा ये भूपृष्ठ में आए, और भूपृष्ठ में आने के पश्चात बातें हुई, हम भूपृष्ठ आएंगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें दो था बातें गंगा की, दो बातें था कि एक तो हम आएंगे तो हमको धारणा महीना ऊपर से आ रहा हूँ, अब जानते हैं कितना स्पीड में वहां से आएंगे तो पाताल में प्रवेश कर जाएंगे, मैं कर जाऊंगी तो आपकी पुत्रों की आपकी जो पीछे की पीढ़ियों हैं गंगा सागर महाराज का पुत्रों का कैसे उद्धार होगा, ये प्रथम था। उन्होंने कहा ठीक है उसके लिए हम, उन्होंने भगीरथ महाराज आप कभी गंगोत्री जाएंगे तो वहाँ भगीरथ किला है, हाँ वहाँ भगीरथ महाराज में बैठ के भगवान शिव जी जब कहीं विपत्ति आता है हम देखते हैं देवा देवियों भी शिव जी को ना, शिव जी इतनी क्या महिमा कहे, शिव जी गंगा घर कहलाता है, गंगा को धारण करने वाले सर्वप्रथम तो भगवान की चरण के अमृत, और ये चरण के अमृत कैसे बना आप सब जानते, बलि महाराज जी जिस तरह वामन देव की जो उन्होंने संपूर्ण आसमान को बा आकाश को है ना भूमल को लिया और जो आकाश है उसको अपने एक पैर में माखा तो उसकी विरजा जल भगवान की जो है ना चरण से स्पर्श करते हुए ब्रह्मा की कमंडल में धारण किए गए थे। प्रश्न आता है कि भाई इतना जल कैसे कमंडल में धारण कर लिए, आप आगे चल के जाएंगे हम बोलेंगे जानू सप्तमी कैसे, जानू मुनि ने पूरा गंगा को ही पी लिए है, ये उनकी एक महान शक्ति होता है साधुओं की शक्ति, उसको हम अचिंत्य शक्ति से भगवान की अचिंत्य शक्ति है, ऐसा साधुओं की अचिंत्य शक्ति है हम उसको अपने दिमाग से लगा के चिंता करके बोल नहीं सकते हैं। तो जो भी है गंगा माता की प्रकट हुई, गंगा ने कहा कि दो बातें, उसने कहा कि गंगा शिव जी प्रार्थना किए शिव जी के शिर में प्रकट हुए, शिव जी की इतनी शक्ति है वो प्रखर गति शिव जी की अपने सिर में जटा में आके प्रवेश कर गई, इतने शक्ति आप समझ सकते हैं क्या शक्ति उनके अंदर में है। सेकंड प्रश्न था कि गंगा मैं जब संसार में भूमल में आ जाऊंगी तो सब पाप करने वाले व्यक्तियां आके गंगा में गंगा सुशीतल जले, आज तो बोरिंग है बाथरूम है भाई घर घर में, पूर्व काल में ये सब नहीं थी, हर व्यक्ति पुष्करणी बा तालाब बा सरोवर या पवित्र नदियों में स्नान करता था, कोई नो बाथरूम है कि नहीं, यही उनके विधि था है कि नहीं, नदियों में स्नान करना, सब स्नान करेंगे और सब स्नान करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लोग पाप करते ही, आज नहीं अनादि काल से पाप तो ही है, पाप पुरुष तो सृष्टि में से ही है, पाप करेंगे तो पाप जब करेंगे सारी पाप को मेरे सिर में यहीं छोड़ देंगे तो फिर कैसा मेरी उद्धार हो। पाप को कहा कि ना ऐसे भी हैं उसमें कई संत महात्मा भी स्नान करेंगे और ये पाप वो पाप छोड़ के जाएंगे और संत महात्मा उस पवित्र जल में जब प्रवेश करके स्नान करेंगे वो पाप खुल जाएगी तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें हुआ, गंगा माता प्रकट हुई और गंगा माता अक्षय तृतीया का दिवस वहां प्रकट हुई और वहां से भगीरथ महाराज अपने रथ में विराजमान हुए और रथ आगे की ओर चले सागर महाराज की जहाँ पुत्र गंगा बंगोप सागर की तरफ चले गए, कलकत्ता से 150 किलोमीटर दूर में दक्षिण की ओर, कलकत्ता इज द सेंटर ऑफ द सिटी, कलकत्ता से दक्षिण ओर को चलेंगे तो 100-125 किलोमीटर में हम गंगा सागर कहते हैं जहाँ सागर है, और उत्तर की ओर 100-125 किलोमीटर जाएंगे तो महाप्रभु के लीला स्थली श्री मायापुर धाम जहाँ जाह्नवीद्वीप है। तो गंगा का नाम हुआ भगीरथ, गंगा का नाम क्या हुआ भगीरथी, भगीरथ महाराज के द्वारा प्रकट हुई इसीलिए इसका नाम भगीरथ। ये जाह्नवी हम लोग प्रत्येक दिन संध्या समय में गौड़ीय वैष्णव लोग गान करते हैं, जाह्नवी तट बने जग जन लो जग मन लो भा, जाह्नवी तट बने, ये जाह्नवी तट है ना, जाह्नवी तट जैसे जमुना तट, जमुना तीर, जमुना तीर बनचारी, तो यहाँ क्या हम कहते हैं जाह्नवी तट बना जग मन लो भा, जाह्नवी कैसे हो गया प्रश्न आता है, स्वाभाविक प्रश्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति का भगवान की देवी का देवा देवी का एक नाम होता है, प्रत्येक नाम की पीछे एक बड़ी रहस्य होता है। अब भगवान कृष्ण को हम गिरधारी कहते हैं, अब गिरधारी क्यों कहते हैं, गिरधार गिरिराज के धारण की बड़ी बहुत बड़ी लंबी लीला है, माखन चर कहते हैं, दामोदर कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं, प्रत्येक नाम के अंदर में एक बड़ी विशाल सुंदर लीला, नाम मध्य रूप लीला गुण समन्वय, नाम के अंदर
एक नाम कहे तो उसके नाम के अंदर रूप लीला गुण ये तीनों अंदर आता है। एक नाम में अनंत विशाल लीला है, रूप भी है, गुण भी सब है, नाम इतनी शक्तिशाली है। तो जाह्नवी क्यों कहे, जाह्नू की जाह्नवी कहने का अर्थ ये हुई है अक्षय तृतीया का दिवस, तीसरा अक्षय वैशाख मास की शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस में गंगा प्रकट हुई, कहां पर ना गोमुख में, और वहां से गंगा की तीव्र गति से बहते गई आते आते यहाँ सप्तमी तिथि को, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, सप्तमी तिथि को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को गंगा माता यहाँ पहुंची, नवदीप धाम में पहुंची। तो नवदीप में कोई पहले गंगा नहीं थी, यहाँ सिंपल एक विशाल भूमिखंड तब तक है ना, तो यहाँ गंगा एक सुंदर आश्रम था, उस आश्रम का नाम था जाह्नू आश्रम, जाह्नू मुनि के आश्रम था। और गंगा जब वहां बहते गई है ना, बहते जा रही थी, आश्रम के तट पर आश्रम थी, आश्रम के तट पर सुंदर हरियाली वृक्ष लताए थे, और भगवान के महान भक्त जाह्नू मुनि वहां भजन अपना कर रहे थे, और भजन करते करते वहां से आश्रम के तट पर भगीरथ महाराज गए, और भगीरथ महाराज के पीछे पीछे गंगा बहती आई। और बहते के समय में क्या हुआ, उस जल में जैसे कि घर के किनारे में, कुछ घर के किनारे में गंगा होती है, पवित्र नदियां होती हैं, घर तो बहती नहीं है, श्रम होता है, आश्रम होती है, लेकिन आसपास की कुछ वस्तुएं बह जाती है। उन्होंने भजन करके आचमन पात्र आसन इत्यादि वहां रखे थे, उन्होंने देखा कि एक नदी वहां से बहते आ रही है, और तुरंत वो नदी में क्या हुआ ना, एक नदी में उनके आचमन पात्र आसन इत्यादि और कुछ वस्तुएं नदी में बह गए। अब जब नदी में बह गए, आप जानते हैं ये जो साधु होते हैं, साधु कुछ कहीं किस व्यक्ति ने उनके भजन में बाधा करता है तो साधु बड़ी कोमल हृदय के होते हैं, साथ साथ में भजन में बाधा देने वाले के प्रति वो सहन नहीं होता है, तो उन्होंने बड़ी क्रोध कर लिया, वो क्रोध में आ गए, वो ट्रांसजेंडल क्रोध है, हमें साधारण क्रोध नहीं है, और क्रोध करने कारण क्या हुआ, उन्होंने इस गंगा माता को भागीरथी नदी को ऐसा हाथ दिखाया रखा और जल लेकर पूरा गंगा को पी गई। आप सोचिए गंगा एक माता है, आप सोचिए गंगा नदी नहीं है, गंगा नदी जरूर है उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन गंगा एक देवी है, गंगा माता शुभ्र वस्त्र धारण करते हुए उनके वाहन क्रोकोडाइल है, जैसे सरस्वती माता एग्जैक्टली सरस्वती माता की स्वरूपणी है लेकिन सरस्वती का हंस होता है, तो गंगा माता का जो है वस्त्र का गंगा माता का जो होती है क्रोकोडाइल होता है, जल में रहने वाली कौन है, क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है। तो गंगा माता को जाह्नू मुनि ने वो जल नहीं, आप कहेंगे बाप रे बाप यहां से लेकर गंगा तक इतना जल एक पेट के अंदर बाप के शरीर के अंदर कैसे गया, नहीं वो जल को नहीं पान किए, जल के साथ साथ में माता गंगा को, मुनि इतने बड़ी शक्तिशाली जाह्नू मुनि थे, वो गंगा माता को अपने शरीर के अंदर समा लिए। जब गंगा माता समा लिए तो गंगा माता का अदृश्य हो गया, अर्थात जो भगीरथ महाराज ने इतना तपस्या करी, चार पीढ़ियां तपस्या करके गंगा धार शिव जी के सिर से लेके आ रहे थे अपनी 60,000 मुनि बा पुत्रों वंशजों को उद्धार करने के लिए, वो गंगा आप अदृश्य हो गई। जब अदृश्य हो गए, पीछे मुड़ के देखे तो उन्होंने बड़ी चिंतित हो, इतनी हमने तपस्या करी, ये पवित्र नदी गंगा हमारे पूर्वजों को उद्धार करने के लिए, ये धारा कहाँ सूख गई, कहाँ गंगा माता चली गई, कहाँ दिशा फेर हो गई, चिंतित हो गए। और चिंतित होने के बाद में देखा बगल में एक बड़ी माना सुंदर आश्रम है, आश्रम में एक बड़ा बड़ा महान मुनि बारूषी बैठ के भजन कर रहे हैं, उनके चरण में गिर गए, और चरण में गिरते उन्होंने कहा कि कहाँ है गंगा माता, उन्होंने कहा गंगा माता मेरी साथ में बाय मारा शरीर के अंदर आवेश है प्रवेश है, ऐसे कहते हुए और उन्होंने पूरी वृतांत बताई, बताया कि भाई कैसे मेरी पूर्वज हैं वो यहाँ भस्म हो चुके हैं, और उनके उद्धार केवल इस गंगा माता के द्वारा होगा, है मुनि ऋषि आपसे बड़ी कृपालु है, आप दयालु हैं, दया सागर है, मैं जानता हूँ गंगा के जल में आपके आचमन पत्र आपको बाधा हुआ है, मैं आप चरण में इच्छा मांगता हूँ, क्षमा याचना करती हूँ करता हूँ, कृपा करके इस गंगा को आप गंगा माता को आप बाहर प्रकट कराइए, ताकि मेरी वंशजों का मेरा वंशजों का उद्धार हो, आप इतने कृपालु हैं, जगत की दया करने वाले हैं, दया सिंधु कृपा सिंधु कृपालु संत हैं, आप कृपा करके उसको छोड़ दीजिए।
तो हम देखते हैं ये राजा की तपस्या व भजन व उनकी प्रार्थना से गंगा, कहीं दो दोनों शास्त्र में लिखा है, कहीं कहा जाता है कि जानू मुनि ने अपनी जंघ जंघ का को काट के उन्होंने भेज दिए, और कहीं जगह कहा गया है कि उनके कर्ण से भी गंगा प्रकट हुई, जो भी है उनके शरीर से, आइदर जंघ से हो कर्ण से हो, ये दोनों आप चिंता न करें, लेकिन उनके शरीर से पुनः गंगा की प्रकट हुई, आप कल्पना कर सकते हैं, जो गंगा माता संपूर्ण जगत को जगत पावनी है, जगत पावनी गंगा माता, गंगा को संपूर्ण जगत को पालन करे, भू संसार को पवित्र करने वाली है, हाँ निम्न नाम यथा गंगा गंगा, हाँ निम्न गामियों से जितनी नदियां हैं, निम्न गामी जितनी नीचे बहने वाली पवित्र नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, सबसे श्रेष्ठ क्या है, गंगा है ना, भागवत में कहा गया है इसे वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव यथा शंभु है, भागवत पुराणों में सबसे श्रेष्ठ भागवत पुराण है, उसी तरह कहा गया निम्नगामी नाम यथा गंगा, निम्नगामी अर्थात नीचे की ओर जाने वाले नदियां पवित्र धाराएं में सबसे श्रेष्ठ गंगा के नाम कहा गया, गंगा की महिमा क्या बता रही आपको बताऊंगा अभी थोड़ी सी। तो गंगा माता जाह्नवी पुनः उसकी जाह्नू मुनि की अपने शरीर से पुनः प्रकट हुई, जो अदृश्य गंगा जाह्नू मुनि के शरीर में समा गई थी वो पुनः प्रकट हुई, तो उनकी पुत्री हुई, जैसे जनक जनक ऋषि की कन्या हुई जानकी, ऐसे जाह्नू मुनि की पुत्री हुई जाह्नवी, है ना जाह्नवी, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं जाह्नवी तट बने जगह मन लोभा, ये जाह्नवी तट, हाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि गंगा की में बड़ी आगे चल के, और तो पूर्व कथा बहुत पुरानी दिन कथा हुई, तो तब से ये जाह्नवी, तो कहने का अर्थ ये है आप कल्पना कर सकते हैं कि जाह्नवी यहाँ से यही नवद्वीप, जहाँ नवद्वीप जो आप जानते हैं नवद्वीप जो मंडल है नवद्वीप कहते हैं, उसमें एक द्वीप है जाह्नू द्वीप है ना, गंगा की नदी तो आप जा रहे हैं नॉर्थ से साउथ की ओर चल रही है कि नहीं, बीच में एक ब्राह्मण थ्रेड जैसा गंगा नदी बह रही है, और गंगा नदी की पूर्व तट पर पांच द्वीप है, आप मैं जानता हूँ कई भक्तों ने अपने नवद्वीप परिक्रमा की हुई है और उसमें आप सब दर्शन किए होंगे, फिर भी आपको एक भौगोलिक चित्र आपको बताना चाहूंगा कि वो गंगा नदी उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, और बीच पूर्व दिशा में पांच द्वीप हैं और पश्चिम दिशा में चार द्वीप हैं, है ना, गंगा की जाह्नवी की, गंगा नहीं कहेंगे जाह्नवी की, पूर्व तट पर पांच द्वीप हैं और पश्चिम तट पर चार द्वीप हैं, नौ द्वीप, हाँ नाइन आइलैंड। तो पूर्व तट में क्या है मैं आपको सबको एक थोड़ा सूचना देता हूँ, जब जहक में नवद्वीप में हूँ बैठा हूँ और एक एक द्वीप के बारे में सूचना आई है, तो मैं नौ द्वीप के बारे में कहता हूँ, खल गिन लीजिए, नाम सुन लीजिए, ये पूर्व तट पर जहाँ मायापुर स्थान है वो अंतरद्वीप, सीमांत द्वीप, रुद्रद्वीप, और जलंगी नदी क्रॉस करते ही है गोद्रुम द्वीप और मध्यद्वीप, ये पांच द्वीप हो गए पूर्व तट पे। उसी तरह पश्चिम तट पर है जाह्नू द्वीप, कोलाद्वीप, जाह्नू कोलाद्वीप, ऋतुद्वीप, जाह्नू द्वीप और मोदद्रुम द्वीप, ये चार द्वीप उधर है। तो ये एक जो द्वीप है उसी द्वीप में भगवान के महान भक्त जाह्नू मुनि का आश्रम था, जाह्नू मुनि का आश्रम होने के कारण भगवान जाह्नवी माता जाह्नू मुनि भगवान चैतन्य महाप्रभु के भजन करने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ निवास कर रहे हैं, और भजन करते करते भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनको श्याम एक बंसीधारी श्याम सुंदर बंसीधारी गिरधारी का दर्शन हुई, लेकिन खुशी आंखी बंद करके ध्यान भजन कर रहे थे, लेकिन कुछ समय में कुछ क्षण में क्या हुआ कुछ समय बाद कुछ क्षण काल कारण क्या हुआ, वो एक तो जो घुंघराले बाल था वो लुप्त हो गया, और जो पीताम्बर धारण किए थे वो लुप्त हो गया, बंसी धारण किए थे वो लुप्त हो गया, कुछ क्षण में उन्होंने देखे दर्शन कर रहे थे कि वो एक संन्यास वस्त्र कौपीन वस्त्र कौपीन कंठ वस्त्र धारण कर लिए हैं, और दो हाथ में जो बंसुरी था तो उन्होंने एक हाथ में कमंडलो एक हाथ में संन्यास दंड का दर्शन किया, कौन जाह्नू मुनि ने कहा। आज जब ये दर्शन किया तो उनको बड़े विचलित हुए दुखी हुए अच्छा नहीं लगा, तो तुरंत भगवान ने पुनः
उनको श्याम सुंदर दर्शन दिया और उन्हें कहा, हे जानू मुनि, ये जो स्वरूप तुमको मैं दिखाया, ये जो स्थान है तुम जहाँ बैठे हो, ये स्थान जो है मेरी नित्य लीला स्थली है, ये मेरी नित्य लीला स्थली है, तो इसलिए मैं सदा सर्वदा यहाँ निवास करता हूँ। तो आप आगे चल के स्वयं इसी रूप में सच्ची माता की गर्भ, जगन्नाथ की मिश्र की पुत्र के रूप में सच्ची माता की गर्भ से अंतर्दीप इस गंगा के पूर्व तट पर अंतर्दीप में मेरी जन्म होगा, प्राकट्य होगा और मैं कलिजुग की युग धर्म का प्रचार करूंगा। तो ये सूचना स्वयं भगवान जानू मुनि ने, जानू मुनि को भगवान स्वयं दिए थे। और इतना नहीं, और में ब्रह्मा अन्य अन्य पुराण में भी कहा गया है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य की पूर्व उन्होंने भीष्म देव को जो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की में उनको मुलाकात हुई थी सज्जा में, उस समय भी उन्होंने को ये बातें भी कहे थे। और ये साथ में देखिए जो जानू, यहाँ पर जो स्थान है जो जानू द्वीप है, इसको द्वादश वन के भद्रा वन के साथ में भी तुलना किया गया। जो भद्रावन वृंदावन की भद्रावन भद्रावन है गंगा की पश्चिम तट पर, पूर्व तट पर प्रथम वन जो है भद्रावन है, भद्रावन भंडिर वन भद्रावन, ये भद्रावन के साथ में उसको तुलना आचार्यों ने तुलना किया है। और ये नवदा भक्ति जो है, नवदीप है, नवदीप में नवदा भक्ति है, उसमें जो बंदनम भक्ति है, जो बंदन भक्ति का बातें हैं यहाँ पर, वंदना भक्ति को भी, वंदन भक्ति को प्राधान्य दिया गया है जानूद्वीप में। आज भी नवदीप मतलब हम परिक्रमा करते हैं तो वो जानूद्वीप ही है, लेकिन कुछ लीला स्थली नहीं है क्योंकि वहां पर कोई मंदिर मठ नहीं है, एक विशाल वटवृक्ष है और उसकी निकटस्थ होकर हमारी परिक्रमा जब ऋतुद्वीप से, कोलद्वीप से ऋतुद्वीप, पृथ्वीद्वीप से जानूद्वीप होते हुए हम लोग मोदद्रिम द्वीप जाते हैं, तो वहां पर भीष्म टीला है। ये भीष्म टीला क्यों है, जानू द्वीप आप जानते हैं, राजा जो भीष्म महाराज जी, भीष्म देव जी हैं, वो गंगा के पुत्र हैं, गंगा के पुत्र हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं गंगा तो गंगा भी उनकी पुत्री बन गई, किसकी पुत्री बन गई, जानू मुनि की। गंगा स्वयं देवी गंगा है, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन ये गंगा माता क्या हुई ना, जाह्नवी बन गई। आप सबने कथा सुना, मैंने सुनाया कि किस तरह इसका नाम पड़ा जाह्नवी, जानू मुनि की पुत्री बने, कारण उनके शरीर से पुनः प्रकट हुए, एक बार प्रकट हुए थे भगवान के चरण से निकल की ब्रह्म की कमंडलों से गंगा की सिर पर आए और संसार में वो गंगोत्री गौमुख में प्रकट होते हुए आई, लेकिन सेकेंड टाइम रिवार्ड है ना, सेकेंड टाइम वो जानू मुनि की लेकिन पूर्व पीछे हम चलते हैं, यहां से लेकर गंगा सागर तक नदी है उसको जाह्नवी कह सकते हैं। गंगा के अनेक नाम है, अनेक नामों में आपने यहाँ से गंगा है, यहाँ के पीछे इधर से जाह्नवी नदी है ना, जाह्नवी, तो गंगा सागर में कोई तो जाह्नवी। तो यहाँ पर भीष्म देव जी ने कुछ समय में अपने नाना, तो उनकी पुत्र गंगा की पुत्र भीष्म है, आप सभी जानते हैं, बड़ी लंबी कथा है किस तरह भीष्म देव जी ने तो उनकी गंगा की माता पुत्र है कि नहीं, संतन महाराज की कथा। तो यहाँ नाना के घर में अनेक दिन निवास किए, अनेक दिन गंगा की तट पर, गंगा के तट पर अपनी माता की चरण में अपने नाना अब क्या बन गए, जानू मुनि भीष्म पितामह के नाना। चैतन्य भगवान श्री नित्यानंद प्रभु जब जीव गोस्वामी को लेकर उसी द्वीप में प्रवेश किए, उन्होंने यही बताया, भगवान स्वयं नित्यानंद जीव गोस्वामी को कहे, हे जीवा, यहाँ पर जो भीष्म पितामह हम महाजन मानते हैं, द्वादश महाजन से एक कपिल कुमार भीष्म, भीष्म पितामह जो हम एक महाजन मानते हैं, वो महाजन कैसे बने, क्योंकि उनको उनकी पिताजी राजनीति और समस्त ज्ञान दिए, राजनीति धर्मनीति ये सब ज्ञान दिए, लेकिन भीष्म पितामह को शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति, माधुर्य भक्ति ये जो है ये नवदीप में ही मिल सकता है, ये औदार्य धाम भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति स्थान है, यहाँ केवल प्रेम ही होता है, कृष्ण प्रेम में पूरा संलग्न है, ये जो
गौरमंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि वास। जो गौरमंडल भूमि को चिंतामणि रूप में समझता है उसको ब्रजभूमि में वास होता है, राधा कृष्ण की प्राप्ति होता है। तो इसीलिए ये जो नवदीप धाम है यहाँ पर सभी आचार्य सभी धाम यहाँ आए। जाह्नवी मुनि के आश्रम है, साथ साथ में भीष्म देव की भीष्म टीला भी है, जहाँ भीष्म स्वयं भीष्म देव जी यहाँ पर आके भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति को प्राप्त किए थे, इसीलिए वो एक महाजन बन गए। आज हम उनके चरण को महाजन जेन गत सपंथा, उनके चरण का ध्यान करते हुए उनकी पदानुसरण करते हुए हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं गंगा माता की महिमा। आज पवित्र गंगा आज माने जाह्नवी मुनि के में समाप्त हो गए थे, पुनः प्रकट हो गए, इसीलिए उसको आज क्या कहते हैं जाह्नवी सप्तमी, है ना। ये सप्तमी तिथि में गंगा का प्रथम पुनः प्रकट हुई जाह्नवी मुनि के शरीर से, इसके नाम जाह्नवी हुई है। और ये जाह्नवी माता यहाँ से बहते बहते गंगा सागर में जाकर गंगा सागर में मिल गई, इसलिए वो स्थान हो गया गंगा सागर। सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा लोग कहते हैं। हमें ये इसी संदर्भ में एक छोटी सी बातें कहूंगा कि गंगा और समुद्र की दोनों की यहाँ वार्तालाप होती है। गंगा कहती है समुद्र, कहती है गंगा को समुद्र, समुद्र जो है गंगा की समुद्र से ही नजदीक है, समुद्र के माध्यम से ना गंगा के माध्यम से समुद्र अंदर आती है, यहाँ तक आती है, और गंगा से कहती है गंगा हे सुंदरी हे पवित्र पावनी गंगा, आप कितनी भाग्यशाली हो, आपकी इस शरीर में जल रूपी तरल शरीर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु दयालु परम पुरुष परम करुणामय भगवान श्री चैतन्य देव बाल लीलाएं करते हैं, आपकी तट पे खेला करते हैं, आपकी शरीर के अंदर जल क्रीड़ा करते हैं, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ, दुर्भाग्य हूँ कि मेरी भगवान के प्रति स्पर्श नहीं होता है। जब भगवान द्वापर युग में जमुना में जमुना क्रीड़ा किए, जल क्रीड़ा किए, है कि नहीं, और आपकी इस कलि युग में आपकी शरीर के अंदर बाप के साथ में जल क्रीड़ा करते हैं, मेरा कब सौभाग्य होगा। गंगा ने कहा हे देवी हम जानते हैं, आप वो गंगा कहने लगी कि मैं आनंदित हूं कि मेरी नित्य यहाँ यहाँ लीला कर रहे हैं, लेकिन हमें दुख भी है कि ये कुछ दिन के बाद में ये मुझे त्याग करके चली जाएंगे और आपकी धाम में आ जाएंगे, अर्थात समुद्र में भी आ जाएंगे। तो वहां देखते हैं आज हम लोग यहाँ उसके बगल में जो छोटी सी द्वीप है ऋतु द्वीप, वहां समुद्रगढ़ है, यहाँ समुद्रगढ़ समुद्र सेन के राजा भी की थी, साथ साथ समुद्र वहां तक भी आई थी, इतनी प्लावन हो गई थी गंगा, वहां से समुद्र महाप्रभु की लीला को स्पर्श के लिए, महाप्रभु चरण स्पर्श के लिए, महाप्रभु की संग करने के लिए समुद्र गंगा के माध्यम से इधर उधर आ गई। जब इधर आ गए तो गंगा, आप गंगा की धारा जा रही थी और उधर से पानी आ रहा था, तो गंगा और समुद्र की जल एकत्र होकर यहाँ विशाल बन्या हो गया, संपूर्ण नवदीप जो है जलमग्न हो गया। जलमग्न होने से गंगा और जब गंगा और समुद्र की वार्तालाप हुई, उसने कहा कि आप जाओ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं कुछ क्षण के बाद में मैं पुनः आपके तट पे आकर रहूंगी और प्रत्येक दिन समुद्र की लीला, समुद्र में लीला जल क्रीड़ा करूंगा। आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में रहे, कंटिन्यूअसली एवरी डे विदाउट फेल समुद्र स्नान करते थे, इतना नहीं समुद्र स्नान करते थे और अपना जमुना समझ के वहां डूब जाते थे, कब क्या होता था लंप मार देते थे। और इसके साथ साथ में ये भी आप जानते हैं अंत में लीला समुद्र कितनी सुंदर सौभाग्य स्थान दिया, और अंत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरदास ठाकुर की यह लीला संपन्न हुई, ये लेके उन्होंने उनके चरण को समुद्र में धोया और उन्हें अनाउंस किया हे भक्तगण साधुगण आप सुनो, ये संसार में अनेक पवित्र नदियां पवित्र तीर्थ पवित्र कुंड है, लेकिन आज से ये महातीर्थ बोला जाएगा, है ना, महातीर्थ। ये समुद्र के जहां चैतन्य महाप्रभु ने उनको चरण को धोया, आज भी आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में तो वहां उसी स्थान को उस दिन से उसको महातीर्थ कहा गया है। और जगन्नाथपुरी में कोई भी व्यक्ति जीता है वहां पंच तीर्थ है, और पंच तीर्थ में सबसे पहला तीर्थ होता है महोदधि,
वह महासागर जहाँ चैतन्य महाप्रभु का चरण हरिदास ठाकुर के चरण स्नान व अभिषेक किया गया था मृत शरीर छोड़ने के बाद में। फिर उसके बाद में श्वेत गंगा, फिर उसके मंदिर के अंदर रहता है। अब जाते हैं मंदिर के अंदर में जो हम कहते हैं एक सुंदर स्थान है, वह भी एक तीर्थ है बटन के नीचे। फिर मार्कंडेय पुष्करणी, फिर उसके बाद में लास्ट में आता है रोहिणी तीर्थ, मंदिर के अंदर होता है मार्कंडेय पुष्करणी। फिर एक तीर्थ आता है आपको जिसको हम कहते हैं नरेंद्र नहीं ये आपके आगे इंद्रदुम्न पुष्करणी। ये पंच महातीर्थ है जो भी है मेरा कहना। ये गंगा माता संपूर्ण 60,000 ये जाह्नवी माता जानू सप्तम में प्रकट होकर 60,000 सगर महाराज की कन्याओं को पुत्रों को उद्धार किया। प्रश्न आता है कि भागवत में सप्तम नमस्कार में जो भाग ब्रह्म गंगा की महिमा वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव से परीक्षित महाराज कहते गंगा की महिमा, गंगा की प्रकृति आपने कथा कहा कि गंगा की महिमा। उन्होंने संक्षेप में एक बातें कहा, आप भी विचार कर सकते हैं। उन्होंने एक शब्द कहा कि जिस गंगा का ये 60,000 पुत्रों ने सागर महाराज की, जिन्होंने गंगा का कभी दर्शन नहीं किया, कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी गंगा में स्नान नहीं किए, गंगा की आरती नहीं किए, गंगा की पूजा नहीं किए, गंगा के नाम नहीं सुने, जब ये अवस्था में भस्म उनके शरीर नहीं, उनके भस्म शरीर का जला हुआ अंश रख गंगा माता का स्पर्श करते वो उद्धार हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं जिन गंगा के तट पर आते हैं, निवास करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, गंगा की आरती करते हैं, गंगा की महिमा सुनते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, गंगा माता के अभिषेक करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं तो ये सभी कार्यकलाप करने वाला क्या दशा हमारी होगी, क्या गति हमारी है। आप समझो, व्यक्ति ने गंगा को स्पर्श नहीं किए, दर्शन नहीं किए, सुनाम भी सुने नहीं थे, वो गंगा स्पर्श करने से उनकी उद्धार हो गया। तो जो गंगा माता का स्नान है ना, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं, आरती करते हैं, पुष्पांजलि देते हैं, तो उनकी दशा क्या होगा। ये इतनी संक्षेप से आप खुद पता लगा सकते हैं कि गंगा कितनी पवित्र है, कितनी। इसीलिए भागवतम में कहा जाता है विष्णु सरी कहते हैं, पार्वती कहते हैं, तो आराधना नाम विष्णु आराधना परम तद पर तृतीय अनुजाय बा उनकी साथ साथ में अर्चनम कहा जाता है। तो भगवान की आराधना तो श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान दान के साथ साथ में उनकी जो नित्य भक्त होते हैं, जैसे महान साधु कहा गया है, गंगा कहा गया है, गोमाता कहा गया है, तुलसी कहा गया है, उसमें गंगा भी आता है, तो उनकी अर्चना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो गंगा माता की अर्चना करने से भी हम भगवत चरण की चरण भगवान और भगवान की गंगा की माता की क्या महिमा कहें। यहाँ तो जब पुंडरीक विद्यानी थी, यहाँ गंगा के तट पे आए, वो गंगा में स्नान नहीं किए। उन्होंने कहा मैं कैसे स्नान कर सकता, ये तो भगवान की चरण उनके समक्ष दिख रहा था कि चरण तो भगवान की चरण बह रही है, धारा बह रही है, तो उन्होंने जल को लेकर अपने मस्तक में धारण किए। ये कई साधु संतों का भी भाव है, इनके भाव था कि ये स्वयं भगवान के चरणामृत है, चरणामृत के अंदर में चरण पैर कैसे रखूं, ये मन के मन में प्रश्न आता है। ये अपना अपना व्यक्तिगत भाव है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी प्रभुपाद जी ने गंगा में स्नान किए, लेकिन हमें वहां स्विमिंग पूल जैसे प्रत्येक पवित्र नदी में हमें स्विमिंग पूल बनाना नहीं है उसको, है ना, हमें जाना चाहिए बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनको प्रणाम करते हुए, उनको पुष्प अर्पण करते हुए गंगा स्नान करके, है ना, हमको बाहर आना चाहिए, नॉट एज ए स्विमिंग पूल, है कि नहीं। तो इस तरह पवित्र गंगा बा आज तो गंगा अवतरण है, गंगा अवतरण तो अक्षय तृतीया हुई, आज जाह्नू सप्तमी, जाह्नू मुनि की पुत्री बनी माता गंगा संपूर्ण जगत को पावन करने वाली और सागर महाराज के पुत्र को उद्धार करने वाली और भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का चरण स्पर्श होने से जो गंगा पवित्र शरणामृत बन के बह रही थी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण पुनः स्पर्श करी, स्पर्श करने के बाद में और अति अति पवित्र हो गया। हरिभो जहाँ कृष्ण के चरण भगवान विष्णु के चरण होते ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण यहाँ गौर लीला में किए, तो गंगा और धन्या बन गई और संपूर्ण जगत पावन कर रही है। तो आपसे भक्तों से प्रार्थना है, कभी अपने जीवन में मौका मिले आप इस गौरांग महाप्रभु लीला भूमि में आकर गंगा की आराधना
स्नान आचमन ध्यान अभिषेक सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाए, यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा। खूब कम समय में जितनी हमें श्रवण साधु के मुख से श्रवण किए थे, मैं उतनी ही आपकी समक्ष रखने की प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने मेरे को अपने चरण में भी स्थान देकर अपने जीवन को धन्य कराए। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। संवेद भक्तवृंद की जय। समस्त गुरु भाता गुरु भगिनी की जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गंगा माता की जय हो। श्री नवदीप धाम की जय हो। श्री जाह्नू दीप की जय हो। जाह्नू मुनि की जय हो। भीष्मदेव की जय हो। हरे कृष्णा। पद्मावली प्रभु कोई प्रश्न है? किसकी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग हमारे आदेश के अनुसार 7:15-7:20 तक समय हो चुकी है, हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सो यदि में से कुछ भक्तों के प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। अनु माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आप बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल धोए, तो मैं उनके ना थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं सुन नहीं पाई कहाँ धोए भगवान के चरण। चैतन्य व चरण धोए नहीं, चैतन्य महाप्रभु यहाँ स्वयं जल क्रीड़ा किए गंगा में। महा 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष यहाँ नवदीप में रहे, है कि नहीं? जन्मे से गंगा के तट पर उनके प्राकट्य हुई, 24 वर्ष इस नवदीप में गौर लीला किए, और गौर लीला में प्रत्येक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु घर के सामने गंगा बहती थी, है कि नहीं? बहती थी, बह रही है। तो प्रत्येक दिन आप जानते हैं महाप्रभु यहाँ स्नान और जल क्रीड़ा करते थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को चरण स्पर्श होने से गंगा माता और आनंदित हो गई, है कि नहीं? क्योंकि गंगा में जमुना में तो जमुना को सौभाग्य मिली भगवान कृष्ण के चरण धोत सेवा करने की, है कि नहीं? और सरयू नदी में प्रभु रामचंद्र ने अपनी जल क्रीड़ा किए, तो गंगा कह रही थी हमें कौन कब यह सौभाग्य होगा, तो कलियुग में चैतन्य महाप्रभु गंगा में जल क्रीड़ा किए, तो गंगा बड़ी धन्य धन्य हो गई। युवराज प्रभु कृष्ण बंधु से अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मैं मतलब मथुरा में रहता हूँ, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन थे। एक तो जब यमुना जी के पास जाते हैं तो हमें क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और दूसरा ये था कि जैसे यहाँ पे नाले जो होते हैं वो बहते हैं यमुना जी में, तो देख के मतलब बुरा सा लगता है, तो उसमें हमारा भाव क्या होना चाहिए? ओके, प्रथम बातें हैं कि जमुना नदी देखते ही आप उनको, ये कालिंदी है, स्वयं जमुना महारानी है, यमराज की बहन है, सूर्य की पुत्री है, ये जल मत देखिए, जल धारा बह रही है, जल के रूप में यहाँ उनकी प्राकट्य हुई है, लेकिन वो जमुना महारानी है। क्या है? भगवान कृष्ण की स्वयं अंतरंगा शक्ति है, और स्वयं यमराज की, यमराज के द्वादश महाजन्म में उनकी स्वयं बहन है, और सूर्य देव की पुत्री है, उसके रूप में आप प्रणाम कीजिए। नंबर वन। नंबर टू, जो नालाएं पड़ती हैं, देखिए कितनी भी गंदे नाला कुछ भी पड़े, पवित्र पवित्र होता है। जमुना को अपवित्र नहीं कर सकती है, आप उसको जल पान नहीं कर सकते हैं, स्नान नहीं कर सकते, प्रणाम करिए, थोड़ी सी जल लीजिए, अपने मस्तक में धारण कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ओके, कथा श्रवण प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। ज्योतिका दंग यमुनानगर से माता बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंगवत प्रणाम प्रभु जी। yes. थोड़ा सा मेरा भी नेटवर्क इश्यूज हो गए थे, तो जब आप बता रहे थे कि भागीरथ जी जब लेके आ रहे थे गंगा जी को, तो जानू मुनि ने मतलब उनको कैसे अपने अंदर डाला, वो नहीं क्लियर हुआ था, वो मिस हो गया। हाँ, गंगा जल को अपने हाथ में धारण, गंगा बह के जा रही थी, क्रोध हुआ तो जल लिए, अपने पान कर लिए, क्योंकि गंगा, आप देखिए मैं क्या कह रहा था कि गंगा एक जल तो है ही है, जल के रूप में प्रभाव हो रही है, लेकिन गंगा एक व्यक्ति है। गंगा जमुना जितनी पवित्र नदियां हैं, ये सब क्या है? एक व्यक्ति है। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया, गंगा माता है, गंगा नदी तो है, नदी के रूप में संसार में पावन कर रही, पवित्र कर रही है, सब स्नान कर रहे हैं, लेकिन गंगा माता है, शुभ्र वस्त्र धारण करती है, और उनके सवार जो होते हैं, उनकी वाहन जो होते हैं, मगरमच्छ कुकड़ेल होते हैं, तो मुनि ऋषि बड़े महान शक्तिशाली होते हैं, तो गंगा माता को अपनी बंदी बना लिए, बंदी बना को हम मतलब उसको लेकर अपने मुख में एक छोटी सी जल लिए और जल को पान कर लिए और गंगा माता को अंदर शरीर में ले लिए, बस।
गंगा माता उनके शरीर के अंदर चली गई, रह गई। जब फिर भागीरथ महाराज ने घोर तप प्रार्थना की, हे प्रभु, हे दयालु सागर, हे दया की सागर, साधु, हे मुनि वर, जे मेरी इतनी, हमारे चार पीढ़ियां हमने तपस्या की है ना, हमारे पूर्वज को उद्धार करने, इनकी क्या दशा होगा। फिर उनके हृदय दया भाव में अवृत हो गई कि भाई ये सचमुच सही कथा, पूरी लंबी कथा उन्होंने बताया कि पूरी कितनी वंशज के कैसे कैसे हमारे 60,000 पूर्वजों ने यहाँ भस्म होके पड़े हुए हैं, उनके उद्धार कैसे होगा, उसके उद्धार के लिए हमने घोर तपस्या करी है, आप कृपा करके इनको आप पुनः प्रकट कराइए ताकि हमारी वंशज के उद्धार होगा। तो पुनः प्रकट हुई और इसीलिए उनका नाम जाह्नवी हो गई, जाह्नवी से वहां जाकर उन्होंने सागर महाराज के पुत्रों को उद्धार किया। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सभी भक्तों का भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। समय की पाबंदी है, 7:30 हो चुके हैं, हमें आज के सेशन को अब यहीं विराम देना होगा। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान इष्टदेव प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि प्रभु जी ने हमारे लिए समय निकाला, हमें अपना संग सानिध्य प्रदान करके आज जानु सप्तमी पे विशेष रूप से हमें, ऐसे हम सुने हैं कि गंगा मैया इतनी दयालु है कि कहीं पर भी यदि 3 बार गंगा 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 उच्चारण कर लिया तो स्वयं वहां प्रकट हो जाती है गंगा मैया। तो आज के जपा टॉक में प्रभु जी के मुखारविंद से इतनी बार गंगा का नाम श्रवण करके आभास हो रहा था या फील हो रहा था, व्यतीत हो रहा था कि प्रभु जी हमें मुखारविंद से जो कथा कह रहे उसमें जो गंगा के रूप में कथा बह रही थी उससे हम लाभान्वित हो रहे थे, पवित्र हो रहे थे। सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके श्रीमान इष्टदेव प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही में एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, हमारे गुरु भाई माधव मुरारी प्रभु वल्लभ विद्यानगर से थे, जो 2-3 दिवस पहले उन्होंने अपना शरीर त्यागा है, तो उनके सुपुत्र नारायण नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की है महाराज जी को बताइए, और सभी भक्तों से कहिए एक बार उनके लिए भी प्रार्थना करें। तो पुनः हम उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि उन पर कृपा आशीर्वाद बनाए रखे और उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो के पुनः आध्यात्मिक जीवन पूर्ण करने का उन्हें सुअवसर प्राप्त हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं, कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरि नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री गंगा माई यमुना माई की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशा कल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृन्द की जय।